हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू आरबीएल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्टडी स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी लेसन 13। एक बूंद जो स्किल राइटर कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। इन्होंने इस पे एक बूंद के बारे में बताया गया है कि बरसात होती है तो उसकी बूंद कहाँ कहाँ गिरती है, उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है। आप इसको रीडिंग करेंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। शब्द अर्थ, एक एक कड़ी निकली, बदा तय किया हुआ, काल समय, समुद्र अनमनी बेमन से, लौ तरह। अब आइए आप नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। बादलों की गोद से निकल कर कौन आगे बढ़ा, तो आप यहाँ पे राइट टिक लगाएंगे, एक बूंद। बूंद को समुद्र तक कौन ले गया, आप लिखेंगे हवा, तो हवा में टिक लगाएंगे। अंत में बूंद क्या बन गई, मोती बन गई, इस पे राइट करेंगे। अब आइए इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। बूंद को किस बात का डर था, आप आंसर लिखेंगे बादलों की गोद से निकलकर बूंद को डर था कि उसमें साथ अब क्या होगा, यानी कि उसके साथ अब क्या होगा। बूंद कहाँ जाकर गिरी, आंसर लिखेंगे बूंद सीप के मुंह में जाकर गिरी। क्वेश्चन, घर छोड़ते हुए लोग क्या करते हैं, आंसर घर छोड़ते हुए लोग झिझकते हैं। अब कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो, तो आप लिखेंगे खाली जगह पे देव लिखेंगे, फिर मेरे भाग में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब लिखिए यहाँ पे निम्न लिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखो। बादल का क्या होगा स्टूडेंट, मेघ, घन, जलद। घर का होगा ग्रह, भवन, सदन। कमल का होगा पंकज, जलस, अंबुज। फूल का होगा पुष्प, सुमन, कुसुम। हवा का होगा पवन, समीर, वायु। समुद्र का होगा सागर, जलधि, परोध। अब निम्नलिखित शब्दों में से सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाकर उन्हें दोबारा लिखो। जैसे बूंद लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे बूंद, चंद्र बिंदु लग जाएगी वहां पे, जलूंगी चंद्र बिंदु, बचूंगी चा पे चंद्र बिंदु, पढ़ूंगी पे रू पे, मिलूंगी ला पे मुंह पे, यहाँ पे आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब लिखिए निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। बूंद बादलों से अलग होने के बाद बूंद के मन कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। खा भाग, भाग के अपेक्षा हमें कर्म पर विश्वास रखना या करना चाहिए। धूल, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती हैं। सुंदर, तन के स्थान पर मन सुंदर होना चाहिए। मोती, बादलों की बूंद सीप के मुंह में जाकर मोती बन गई। अब लिखिए समुद्र में मिलने वाले पांच जीवों के नाम लिखो, जैसे मछली, सीप, सांप, कछुआ, मगरमच्छ। आप यहाँ पे आप लिखे जिस दिन वर्षा होती है उसका उस दिन स्कूल बंद रहता है, उस दिन आप कौन कौन से काम करते हैं, कोई से तीन काम लिखो। यहाँ पे ये थ्री लाइन लिखी उसमें लिखे, और बादलों का चित्र बनाइए उसमें फिल करिए। ओके स्टूडेंट।